से लगभग जो है 2200 किलोमीटर के आसपास लेह लद्दाख का डिस्टेंस पड़ता है, वो भी करना है। और अयोध्या ट्रिप भी करनी है यार 2024 में, ये वाली बहुत सारे ट्रिप करने, बहुत सारे, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। चलो सलाइन चढ़ाने की नौबत ना आई, ये अच्छा है। डॉक्टर बोले टैबलेट ले लो, टैबलेट से उधर होता है भाई तो क्लियर हो जाएगा। हाँ यार आप तो बैठे एकदम पैर फैला के आराम से बैठे हो। चलो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मॉर्निंग तो नहीं हुआ है, हाँ लगभग टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। और भाई सीन ये हुआ था कि भाई जाना था ट्रैवलिंग के लिए, ट्रिप के लिए, बट क्या ना कि थोड़ा सा हेल्थ इशू, ठीक है, जो पथरी बोलते हैं ना, पथरी किडनी स्टोन, भाई उसकी समस्या ही ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली डॉक्टर ने बुलाया था कल, लेकिन कल तो था संडे, डॉक्टर बोले कि फिर एक काम करो संडे में अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप आ जाओ, मैं तो रहूँगा क्योंकि दोस्ती है अपने वो। तो फिर मैंने बोला कि भाई नहीं, मैं सोमवार के दिन आ जाऊँगा, क्योंकि कल जो था भाई, कल मैं गया हुआ था एक्चुअली एंगेजमेंट के लिए। वो कहाँ गया हुआ था, वैजापुर, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ लेकिन भाई ब्लॉक क्यों नहीं आ रहे, बहुत लोग पूछते हैं मुझे। चलो गाड़ी में जाके बात करेंगे पहले, तो ये गाड़ी में बैठते भाई। गाड़ी अनलॉक की थी क्या? ओ भाई डरा दिया यार, स्पाइडरमैन जी डरा दिया आपने तो। मुझे लगा कौन बैठा है गाड़ी में। चलो अब डॉक्टर को जाके अपॉइंटमेंट तो ले लिया मैंने, अब खाली जाके दिखाना है। एक्चुअली डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं पता नहीं, इसलिए जल्दी आ गया। टाइम फिलहाल हो रहा है जैसे आप देख पा रहे भाई 2:30 बज रही यार। बताओ यार 2 बजे मैं काम से निकला था, लेकिन काम ही काम। हाँ गुड आफ्टरनून, यस। और भाई जो था ट्रिप के लिए पोस्टपैंड करना पड़ा यार, ना चाहते हुए भी ट्रिप को पोस्टपैंड करना पड़ा, बताओ, बिकॉज ऑफ दैट कि यार हेल्थ इशू। डॉक्टर से या फिर मेडिकल वाले हमको प्रॉब्लम होता नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, प्रॉब्लम सबको आता है, हमको भी आता है, हम भी इंसान ही है, पत्थर के बने हुए नहीं है। हाँ नहीं तो भाई अभी तक आपने ट्रैवलिंग ब्लॉग भी देखे हुए होते या फिर रोज देखते यार, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट की प्रॉब्लम, चलो होता है। अब ट्रिप जो हो रही है भाई पोस्टपैन करनी पड़ेगी यार। मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के DM आए कि भाई ट्रिप को हो रहा है, नेक्स्ट ट्रिप का भाई जल्द ही होगा। ये 4-5 दिन 8 दिन काम ही इतना था, एंड काम क्यों होने की वजह से, एंड हेल्थ इशू कल परसों निकलने वाले, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से ना निकल पाए। सो कोई ना, अब 4-5 दिन 5-6 दिन में दोबारा निकल पड़ेंगे, या फिर एक हफ्ता लग सकता है मिनिमम एक ठीक होने में, ठीक है। बिकॉज ये पथरी का प्रॉब्लम जो है, एक्चुअली जो होता है स्टोन होता है, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर जैसे दो प्रकार के स्टोन होते हैं, ठीक है, एक होता है जो आपके ब्लैडर के अंदर होता है, और दूसरा स्टोन होता है वही वो किडनी के नीचे जो होता है भाई, जैसे कि किडनी स्टोन उसी को ही बोलते हैं, वो स्टोन होता है। और वो कितने में का क्या है पता नहीं, अब जाके डॉक्टर को अभी दिखाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड ही है हमारे, मेरा क्लासमेट ही था डॉक्टर, उनको दिखाएंगे कितना MM का है, कितना है, सोनोग्राफी करके ही पता चलेगा। सो यार चलो पहले निकलते हैं, बिकॉज 3 बजे डॉक्टर 3 बजे तक है OPD में। अब 15 मिनट बजे, अब डिस्टेंस जो है लगभग 4-5 किलोमीटर अपने को जाना है, जो कि राहत के लिए जाना है। एक्चुअली शिरडी में जो है उनको हॉस्पिटल है नहीं, ठीक है, जल्द ही खोलने वाले, जब खोलेंगे तब खोलेंगे, लेकिन दर्द अभी शुरू है ना भाई, थोड़ा AC ऑन कर देता भाई। सो चलो भाई निकल लेते हैं अब यहाँ से। एक्चुअली डीजल पेट्रोल लेवल भी कम है। हाँ ये देखो भाई, ये देखो 88 की रेंज बची हुई है। चलो कोई ना, अब गाड़ी जाके आएगी, बाद में फिल करवाएंगे उसको पूरा, फिलहाल तो ज़रूरत है नहीं। ये क्या है भाई? अच्छा बुलेट लगाई हुई है, इसलिए सेंसर बज रहे, थोड़ा सा आगे करके पीछे लेना पड़ेगा। चलो चलो स्पाइडरमैन जी चलने का। हाँ यार आप तो बैठे एकदम पैर फैला के आराम से बैठे हो। हाँ यार वो बात ये, कोई ना, वो एक्चुअली कल गए थे बाहर तो ध्रुव इतने रख दिया होगा गाड़ी में, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, ये इंडिया के बच्चों को तो यही मालूम है ना, स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, शक्तिमान, आपने जमाने में शक्तिमान था भाई, शक्तिमान था। रविवार
कि दोपहर को 12 बजे शक्तिमान शुरू होता था यार, लेकिन वो देखने में भी अलग मजा था यार। वो दूरदर्शन में जैसा कि आधा घंटे के एडवर्टाइज देखने में कोई दिक्कत नहीं थी वो टाइम पे, लेकिन आज के समय में फिलहाल भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। गाना भी अगर आपको चलाना है भाई तो सब्सक्रिप्शन ले लो, नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हाँ, लेकिन वो बात ही अलग थी यार वो टाइम की। हाँ, 2 मिनट का एड भी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, तो क्यों सब्सक्रिप्शन ले, बाकी चीज़ों के लिए कोई ना, दिन थे यार वो, दौर नहीं, वो दिन थे। वो टाइम पे दूसरों के घर पे चोरी छुप के देखना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे घर पे टीवी होने के बावजूद भी नहीं देख पाते यार, कहाँ देख पाते बताओ। हाँ, बड़े जो हो गए होता है, वो भी दिन थे, आज के दिन वो दिन अलग अलग थे यार, बहुत अलग थे सच में। डॉक्टर को एक बार पहले फ़ोन कर देता हूँ भाई, बिकॉज डॉक्टर चले ना जाए तो डॉक्टर को पहले फ़ोन करता हूँ भाई। लेकिन अभी मैंने जाके न्यूज़ देखा या फिर एक यूट्यूब पे देखा, मैंने वीडियो देखा भाई, इतना ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है मनाली, कुल्लू मनाली एंड देन कश्मीर में, जबकि पूरा जनवरी चला गया भाई, लेकिन एक रत्ती तक बर्फ नहीं पड़ा बताओ। लेकिन अब जाके यार पूरी फ्रेश स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर यार, जाने का तो था ये टाइम पे, बट क्या ना कि थोड़ा सा काम की वजह से ना जा पाए, चलो कोई ना, लेकिन अगला ट्रिप जो रहेगा भाई वो पहाड़ियों में ही करेंगे। और दूसरी चीज़ कि यार नेक्स्ट 2025 में ठीक है जरूर स्नो एक्सपीरियंस करेंगे, स्नो एक्सपीरियंस करना बनता है भाई, करेंगे बिल्कुल करेंगे, बिकॉज स्नो में जाना यार कुछ अलग ही डिफरेंस है। अभी तक जो है मूवी में देखा है स्नो, वीडियोस में देखा है, सबके ब्लॉग्स में देखा है भाई, लेकिन यार रियल आंखों से जो देखने का बर्फ को जो मज़ा है वो नहीं देखा, तो अभी नेक्स्ट ईयर वो भी पूरा हो जाएगा भाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो जाना ही जाना है, चाहे कश्मीर जाए या कुल्लू मनाली जाए या फिर लद्दाख जाए भाई, लेकिन जाना है और जाना तो है भाई, बट जाएंगे अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपने ही गाड़ी से जाएंगे, ना ट्रेन से ना एरोप्लेन से, नहीं अच्छा लगता यार ये ट्रेन में, एक तो काम छोर इतने ना कि बैग उठाना भी पॉसिबल नहीं होता है, मतलब अलसी इतने कि यार नहीं कौन उठाएगा बैग हर जगह पे, और गाड़ी से कैसा है अपना कहीं भी रुको, कहीं भी बीच में स्टे कर लो, या फिर अगर कोई स्पॉट अगर दिख जाए बीच में ऑन द वे की तो यार वो कवर कर सकते हैं, वो ट्रेन में वैसा होता नहीं, ट्रेन में डायरेक्ट डेस्टिनेशन जाना पड़ता है, या फिर प्लेन से भी वैसा ही होता है ना भाई। सो नेक्स्ट ईयर जाएंगे भाई अपनी गाड़ी से जाएंगे, यहाँ से लगभग जो है 2200 किलोमीटर के आसपास ले लद्दाख का डिस्टेंस पड़ता है, वो भी करना है, और अयोध्या ट्रिप भी करनी है यार 2024 में, ये वाले बहुत सारे ट्रिप करने हैं, बहुत सारे। सो यार बने रहो व्लॉग में, जैसे आपने अभी तक जो सपोर्ट दिखाया भाई ऐसे ही सपोर्ट दिखाया करो यार। चलो भाई अपना हॉस्पिटल आ गया सामने, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, डॉक्टर क्या फ्रेंड ही है एक्चुअली, क्लास में मैंने बता ही दिया, धर्मवीर सहानी डॉक्टर का नाम है, तो भाई डॉक्टर को धर्मवीर को दिखाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं, अगर सलाइन चढ़ाने की नौबत ना आई तो अच्छा। यहाँ से आपने को राइट की तरफ, चलो भाई गाड़ी यहाँ पर ही पार्क कर दी, चलो ये ऊपर पार्क करने के लिए जगह ही नहीं थी हॉस्पिटल के एरिया में। हाँ ये देखो पूरी जो है पार्किंग भरी पड़ी हुई है यार, आज मंडे होने की वजह से हॉस्पिटलों का भाई, उनकी तो दिवाली रहती है ना मंडे के टाइम पे। होप सो डॉक्टर होंगे, फोन दोनों ने उठाया नहीं था। चलो ये काम करते पहले, हो गया अपना काम भाई, बहुत दर्दनाक है, दर्दनाक है यार, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। चलो सलाइन चढ़ाने की नौबत ना आई, ये अच्छा है, डॉक्टर बोले टैबलेट ले लो, टैबलेट से अगर होता है भाई तो क्लियर हो जाएगा। गाड़ी की देखते हो लगाने के लिए जगह ही नहीं थी यार। ये देखो इतनी पतले से गली में घुसा दिया दुकान के सामने, चलो ये भी दोस्त आता उसको बोल दिया कि गाड़ी लगा रहा हूँ, मंडे के दिन प्रॉब्लम आता है हॉस्पिटल में, अदरवाइज ट्रैफिक तो रहता नहीं है, बट कभी कभार ट्रैफिक हो ही जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो होता है किडनी स्टोन ठीक है, वो जो पत्थर होता है उसमें भी एमएम होता है भाई, 2 mm का, 10 mm का, 100 mm का, इतना बड़ा होता नहीं बता रहा हूँ कि, लेकिन बट होता है भाई 12-12 8-8 10 mm के भी पत्थर है होते हैं,
तो दवाइयों से कभी कभार क्या होता है, वो अगर दवाइयों से एंटीबायोटिक से फूट जाते हैं अंदर के अंदर तो ठीक, अगर ना फूटे भाई तो उसको ऑपरेट तो करना ही पड़ता है, ऑपरेट इन द सेंस ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है भाई। सो ये भी यार एक एक्सपीरियंस ही है कि यार इंसान है, इंसान को सब बीमारियां होती है, इससे आज पता चला, मतलब इससे आज क्या भाई मुझे पता चला, पथरी भी होती है। अगर आप कौन सी भी फील्ड में, चाहे आप खुद क्यों ना मेडिकल फील्ड में हो, बट आपको भी जो होना है वो होना ही है। सर को मैंने पूछ लिया था कि आप सर मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ इसके बाद में, भाई बिल्कुल मना किया, बिल्कुल मना किया। बोले अगर ट्रैवलिंग करना है भाई तो वहाँ पे अगर कहीं एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन वैसी नहीं रहेगी फिर उसके बाद में, बिकॉज क्या होता है ना कि एक जगह पर बैठ बैठ के नॉट अ पॉसिबल। सो यार बड़ा दुख दर्द हो रहा है, प्लान एक्सटेंड करना पड़ रहा है। चलो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वरना बच्चे के लिए होता है भाई। तेरे तो मौज है यार, हाँ सब फ्रूट्स सब साथ में लेके बैठा है एक्चुअली। थोड़ा सा फ्रूट्स का दुकान दिख गया था भाई, ये घर के काम भी आज एक्चुअली करने पड़ रहे हैं। ये लेके आओ, वो लेके आओ, चलो कोई ना कोई ना भाई, तेरी जिम्मेदारी अब। हाँ स्पाइडरमैन जी, गाड़ी में तो अपन दोनों ही है। चलो हो गया, हॉस्पिटल का काम हो गया, सब हो गया। अब जाते पहले भाई खाना खाते हैं, फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग 3:30 बज रहे, लगभग आधे पौने घंटे में यार पूरा फिनिश कर दिया अपना जो काम था भाई। टाइम के पक्के, टाइम के पक्के, इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट यार। ऐसे आधे घंटे में हॉस्पिटल का काम हो जाए बस यार, जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गई। बताओ पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल का स्टाफ था भाई, वो एक्चुअली लंच ब्रेक पे था, लेकिन जो डॉक्टर्स थे, जो मेरा फ्रेंड था, जैसे मैंने बोल दिया भाई, वो रुका था मेरे लिए, रुका था यार। वही अच्छा है कि अगर पहचान वाला हॉस्पिटल में होता है भाई तो काम फटाफट हो जाता है अपना, और ज़िंदगी में अपने को यही रफ्तार चाहिए, स्पीड चाहिए, आधे घंटे में अपना पूरा काम तमाम। और एक चीज़ की यहाँ पर जो ये जो सामने दिख रहा है भाई, ये देखो मारुति सुजुकी का शोरूम, ऐसे मॉरिस गैरेज के बाजू में ही है भाई। एक्चुअली मारुति सुजुकी का नहीं है, एक्चुअली कार डेटिंग पेंटिंग वाला काम होता है वहाँ पर। अपनी गाड़ी को भी वहाँ पे दिखाना एक बार, बिकॉज क्या है ना कि बहुत से सारे स्क्रैच गाड़ी पे आए हुए, जो महेश है वहाँ पर ओनर, उनको दिखाना पड़ेगा एक बार कि स्क्रैचेस वगैरह निकवा लो, बिकॉज आगे के ट्रिप्स तो कंटिन्यू ही रहेंगे। और आगे के ट्रिप्स के लिए मैंने चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी यार एकदम चकाचक दिखनी चाहिए, एकदम चकाचक यार। एक आधा गाना चलाएंगे, गाने का एंजॉय करते हुए घर पे पहुंच जाएंगे, 2 मिनट में घर पे पहुंच जाएंगे। खाना वगैरह पहले कहीं, भूख तो बहुत है सर की, सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा सा एक बिस्कुट और चाय। वैसे जनरली बिस्कुट को खाता नहीं हूँ मैं, बट सुबह ऑप्शन नहीं था बिकॉज टाइम इतना हो रहा था दुकान पे जाने के लिए, लेट हो गया था एक्चुअली। सो अब जाके खाना खाएंगे प्रॉपर तरीके से, हड़बड़ा के खाना खाएंगे, और भाई आधे एक घंटे की अगर नींद मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, और नहीं मिलती भाई तो दुकान पे चले जाएंगे। सो हेक्टिक डे, तो चलो फाइनली तो घर पे आ गए, अब भाई जाएंगे दुकान पे जाएंगे, एक्चुअली दुकान पे जाना है। लगभग टाइम हो रहा है 5 बज रहे, मतलब आए तो थे 3:30 बजे आए थे, बट थोड़ा सा आराम वगैरह किया, 5 बजे अभी दुकान पे जा रहे हैं। सो यार मिलेंगे अगले एपिसोड में, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो यार। बस टिल देन पीस।